गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, आज है घुघुती, सो सभी को हैप्पी घुघुती, हैप्पी मकर संक्रांति। और जिन्होंने कल बना लिया उनको कल बोल दिया था, आज जो आज बना रहे उनको आज के लिए। सो अभी मैं रेडी हो गई, बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। बज गए हैं 10, सुबह 7 बजे से मैं बताएं पानी गर्म करने को अभी जाके मेरे लिए पानी गर्म हो, दोनों नहाया फिर मैं तैयार हुई। सो आज हम जा रहे हैं डाड़ा मंडी के मेले में। तो आज 15 तारीख है, तो आज डाड़ा मंडी का मेला है। सो आज घुघुती भी है, तो सुबह से पकवान वगैरह भी बन रहे थे मेरे, मतलब अभी बताऊंगी मैं क्या क्या बना रहा है। तो फिलहाल तो अभी मेरी पूजा पाठ हो रही है यहाँ पे। रामितर तन्वी को देखिए जरा नहा धो के। भैया टीवी बंद कर दो थोड़ी देर, चलो ना, अब देर नहीं हो रही। आज हम तन्वी के कान भी छेदेंगे भाई, ठीक है तन्वी? हैप्पी घुघुती बोलो तन्वी सबको। काले कौवा आ रहा कुटी माला खान। हैप्पी घुघुती बोलो। हैप्पी घुघुती। गाइस मैंने बनाया है आज खीर, कद्दू सब्जी है, पूरी और बड़े और घुघुती। घुघुती तो कल बना रखी थी, तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते गाइस, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। लो भाई हैप्पी घुघुती। हैप्पी घुघुती सबको। आ जाओ खजरे खा जाओ हमारे घर से। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं एंड हमारे साथ जा रही है पायल और सोमू। सो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि तन्वी के कान छिदाए कि नहीं छिदाए, क्योंकि तन्वी का हो रहा है कि रो रो के कि नहीं छिदाना है मेरे को। सो गाइस अभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, और ऊपर पता नहीं कैसे होने वाला है, क्योंकि वहाँ पहाड़ है तो क्या पता धूप हो सकती है। बट आज यहाँ देख सकते हैं कितना भयंकर कोहरा है। तो गाइस हम लोग दुगड्डा पहुँच चुके हैं एंड गाइस यहाँ भीड़ देख सकते हैं, और सारी पब्लिक डाड़ा मंडी जाने के लिए तैयार है। और यहाँ को देख सकते हैं, इतनी अच्छी खासी धूप खिली हुई है, और बजर पड़क है कोटद्वार में, वहाँ पे इतना कोहरा लग रखा है पहाड़ों में, देखो जरा, पर इतनी मस्त धूप आ रखी है। अभी हम दुगड्डा से थोड़ा सा आगे निकले और इन दो खूबसूरत लड़कियों को लेकर आ रखे हैं, जो गंदी गंदी बिल्कुल उल्टी निकाल रही है, और दोनों बोल रही थी हमें नहीं होती है, और देखो जरा इनके हाल यहीं पे आके। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं राड़ा मंडी, बट यहाँ पार्किंग का ना इन्होंने यहाँ कर रखा है, यहाँ देखिए जरा इस वाले एरिया से, यहाँ पे नदी पे, तो गजब का जाम लग गया, भीड़ बहुत ज़्यादा देख सकते हैं हम बिल्कुल पीछे बीच नदी में, और उधर देखिए बगल में नदी बह रही है, और यहाँ हम लोग ऐसे जा रहे हैं। तो वो ऊपर का जो रास्ता है वहाँ पे ऊपर रास्ता वो बंद कर रखा है, तो वहाँ से 1 किलोमीटर डाड़ा मंडी था, तो अभी नदी वाला पूरा 1 किलोमीटर हम नदी पे से जा रहे हैं। देखो तनु अभी कैसे जाएंगे हाँ पानी में, ये देखो कैसे गई बुलेरो, गहरा है ये तो। पार हो गई, भीड़ देख सकते हैं गाइस, भगवान मैं क्या कहती हूँ, उस दिन पूरा मैदान खाली दिख रहा था, और आज देखो जरा। ये है सेल, और आज पूरी मार्केट में सिर्फ सेल ही सेल दिख रही है, वो भी अधिक सेल कर तो नहीं रही, वो कर तो नहीं रही है, जोर से पकड़े लेना कुछ नहीं होगा, वो उसका मुंह दे, उसका मुंह रोने जैसा हो गया। बस भैया रोक दो, भैया रोक दो, इसको उतार दो, इसको इसको रोक, उतर जाओ। और ये तो बहुत धीरे है, डर गई, मैंने तो मना किया था इसमें मत बैठ, डर गई तन्नू, डर गई ओ। सो गाइस हम लोग नीचे से ऊपर आ गए अब डाड़ा मंडी वाली मेन मार्केट में, क्योंकि वहाँ नीचे इतनी भयंकर भीड़ हो रही थी और गर्म लग रहा था, तो हमने कहा यहाँ पे घूमते हैं। हाँ ये रही उत्तरा की मम्मी, यहाँ पे लिए हमने क्रीम बन, यहाँ से देखिए तो यहाँ पे ना हर जगह जलेबी बन रही है। इस यहाँ पे ना एक मंदिर है, हाँ से चलते चलते आए नीचे से और इस मंदिर में, तो यहाँ पे ना थोड़ा भेंट चढ़ा देते। तो गाइस अभी हम लोग स्कूल के ऊपर, और जो गेंद मिला मतलब जो गेंद का गेम होता है ना, वो इस स्कूल के नीचे होने वाला है। हाय गाइस, हाय गाइस, दिखा दे इसको। हाय गाइस, तो
तो जो ये गेंद का खेल है ना, ये दो पट्टी होती है, मतलब यहाँ दाड़ा मंडी में तो एक लंगूर पट्टी है, एक भतपुरी पट्टी है। तो ये लंगूर पट्टी और भतपुरी पट्टी के बीच होता है। तो ये जो ढोल ढमा बजा के आ रहे हैं, ये है अभी लंगूर पट्टी के, लंगूर पट्टी वाले आ चुके हैं, अभी भतपुरी पट्टी वाले नहीं आए हैं। इन दोनों गाँव के बीच, मतलब इन दो पट्टियों के बीच जो होता है ये खेल खेला जा रहा है। जब हम पुल में खड़े थे ना, यहाँ पे एक दो बंदे थे बस। अभी देख सकते हैं गेम शुरू होने से पहले ही पूरा पुल फुल हो चुका है, दोनों तरफ देख सकते हैं, उधर वाली साइड भी इधर वाली साइड भी पूरे झमाझम लोग भर गए हैं। सारी ब्लॉगर एक साथ, देखो मेरा है भगवान, ब्लॉगर का मेला हो गया। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं नीचे खेल स्टार्ट हो चुका है खेल। और जो ये गेंद है ना, ये कहते हैं 20 किलो की होती है। भीड़ देख सकते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर अगर सात खून भी हो जाएंगे, मतलब सात मौतें भी हो जाएंगी ना, तो वो भी माफ़ होती है। मतलब इस मेले में ऐसा है, पर आज तक कभी किसी ने सुना नहीं है कि कुछ हुआ है करके। और गाइस चारों तरफ भीड़ देखिए ज़रा, हर जगह मेला पूरा उधर लगा है, मेले के सारे लोग आके इधर देख रहे हैं। गिंदी अभी कुछ दिख नहीं रहा है, गेंद कहाँ है कुछ पता नहीं है, पर लगे हैं लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने में। तो अभी जो गेंद की बात होती है ना, ये देखिए ये है चमड़े की गेंद बस जो गई, अभी फिर उछलेगी देखना, ये देखिए। तो यहाँ पे देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लड़ाई हो रही है, बट ये लड़ाई नहीं है, ये खेल है। ऐसा ही होता है, दो गुटों के बीच में ऐसी झड़प होती है बॉल के लिए, पर लगते सेम लड़ाई जैसा ही है। तो अभी देख सकते हैं दूसरी साइड बॉल थी, अब ये इस साइड को खींच के लेकर आ गए। तो जो अभी बॉल है ना, वो लंगूर पट्टी की तरफ आ चुकी है। और जो ये गिंदी का जो खेल होता है ना, ये हमेशा यही जीतती है, यही वाली पट्टी जीतती है, ऐसा हमने सुना है। फिलहाल आज क्या होने वाला है वो तो पता नहीं है, पर काफ़ी भीड़ हो चुकी है, देख सकते हैं बॉल के लिए कहाँ चढ़े जा रहे हैं वो देखिए। कल ही नहीं रही है गैंग, वहाँ ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही है, अब पता नहीं कितनी देर लगने वाली है। और हमको बहुत तेज भूख लग गई है, अभी तो बुला रहे हैं आ नहीं रहे। तो गाइस नीचे ना यहाँ सुबह आ रहा है, सुबह ससवाल हमारे कोटद्वार का फेमस ब्लॉगर, और इनको हो रखी है अब उसके साथ फोटो खिंचाने की, फोटो खींचते हैं जो सुबह के साथ हम लोग देख के लेकर आना। कंडाली भी हो रखी है खूब सारी यहाँ पे, तो हम लोग ना जहाँ पे ना मेन गेंद चल गेंद का वो हो रहा है ना, वहाँ पहुँच गए। जस्ट आपके घर के पीछे ही रहती हूँ, हमारे बच्चों को हो रही थी आपके साथ फोटो खिंचाने की, जाओ। ये मेरी बेटी, हेलो बोलो भैया को, कैसे हो बताओ। एंड ही इज माय हस्बैंड। चलो भैया को बाय बोलो, आ जाओ बोलो भैया। फैन मूवमेंट पूरा हो गया तेरा, अरे वहाँ खड़ी है कब से, चलो मेरे को सुरेश के साथ फोटो खिंचानी है। तो गाइस वो जो पीछे गेंद का प्रोग्राम है ना, वो तो बहुत घंटों तक चलने वाला है, क्योंकि और हमारे हाथ ऐसे हो गए ना लकड़ी जैसे, देखो ये ठंड से, और मैं कपड़े भी ऐसे पहन के आई हूँ हवा के मारे। तुम कितना डांस कर रहे थे, मैंने कहा अमित को तो ऐसा कर रहे जैसे इनके छाती में आ रखे हो गए, और तुम तो लंगूर पट्टी की तरफ से डांस कर रहे थे। सुबह ही सब चलते हैं, अभी तो बहुत भूख लग गई, हम खाना वाना खाएंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पूरा खाली हो रखा है, सारे के सारे उधर जा रखे हैं। और मेरी बिरादरी के लोग कितने आ रखे थे देखे उन्होंने, सारे ब्लॉगर्स पहुंचे हुए हैं यहाँ। तो ये गर्मा गर्म जलेबी खाने का हो रहा है, पर जाना है ना हमें गाड़ी से, तो मीठा खा के जाएंगे ना, तो ये लोग भी निकालेंगे और मैं भी निकालूंगी साथ साथ। और मार्केट में भीड़ देखिए ज़रा, आगे कुछ नहीं मिला। तो ना गाइस अभी यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ये पकड़ना चाहिए चाउमीन का। तो हमने ना ठंडे समोसे लिए हैं, गर्मा गर्म समोसे लिए, ठंडे ठंडे समोसे ले रखे हैं, ये खाएंगे। ठंड भी गजब हो गया था, और फिर क्या कहते हैं उधर को तो इतना भयंकर कोहरा कोहरा लग रखा है, देखिए ज़रा पूरा मौसम हो रखा है। और यहाँ इतनी ठंडी हवा चलने लगी थी ना खतरनाक वाली, तो हम लोगों ने सोचा कि चल देते हैं इससे पहले कि ज़्यादा ठंडा हो जाए। सो, अभी हमको यहाँ से ये नदियाँ पार करनी है पहले। तो गई शाम के 5 बजने वाले हैं, और आज सुबह से हम लोगों ने ना कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी ना हम यहाँ पे दुगड्डा में रुके, कुछ झूलते हैं खाने के लिए। हम लोग खा रहे गरम गरम मोमोज,
और कहीं मिला ही नहीं कुछ। वो दोस्तों पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं सिद्धवली मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। अभी अभी लाइट चली हुई, आज देख रही हूँ मैं शाम को लाइट जला हुआ पूरा। ओह तो कोटद्वारा एंट्री कर चुके हैं हम लोग, और आज पहली बार हम लोगों को हाथी नहीं दिखा इस रोड पे, नहीं तो हमारा दुगट्टा जाना और कोटद्वार को आना। हाथी हमारे साथ बैठा था तब हाथी नहीं दिखा मैं। कहना क्या चाहते हो? हाथी हमारे साथ बैठा था, वाल देख रहे हो? मुझे पता है तन्नू, पापा मुझे ही बोलते हैं। सभी हम लोग आए हैं बावर्ची, तो पूरा इधर उधर घूम घाम के 10 जगह खाना वाना कहीं खाया नहीं दिन में, और वहीं पे वो क्या कहते हैं कहाँ दुगड्डा में मोमोज वगैरह ले लिए, तो प्लेट तो क्या भरता है उनसे, तो हमने सोचा खाते हुए चलते हैं कुछ, तो अभी मंगा रखा है हमारे ऑल टाइम फेवरेट एग नूडल्स एंड 5 किलो तो वेज मंगा रखा है नूडल्स, और तन्नू और सोमो के लिए मंगा रखा है चीज बर्गर। 6 बज चुके हैं एंड हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और घर आके कपड़े वपड़े चेंज किए, मेरे को तो मेरे कपड़े कुछ मिले नहीं तो मैंने अमित का ही पहना है। क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए पहना है, और इन दोनों को देखो जरा कैसे बिस्तर में घुस गए। आई होप आपको ठंडा लग गया इन दोनों को, बस अब ठंडा यहीं आगे हो रहा है, वहाँ तो धूप थी कड़ाके की, शाम को 4 बजे के टाइम पे वहाँ पे ठंडा हुआ। बंद सोच रहे हो तुम दोनों? हम गेम खेल रहे हो। तो अब गाइस बस खाना वाना तो खा लिया है हम लोगों ने बाहर से, अमित के लिए 2 रोटी बनानी है, और ब्लॉग को यही एंड करते थे क्योंकि बहुत थकान हो रही है मेरे को, तो बिल्कुल अब मन ही नहीं है ब्लॉग आगे बनाने का। आई होप आपको ब्लॉग पसंद है, लाइक कर सकते हैं, नीचे बटन को क्लिक करें, तो ब्लॉग का पैसा बनाते करने समय मिले। 1 मिनट में 1 मिनट तो लगता ही नहीं, आधा सेकंड। सो बाय बाय।